me, right? मैं प्रोड्यूसर हूँ यार, मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जाता, मतलब लाइट भी नहीं चलती। इनको खाली लिखना होता है। खर्च कर दिया उन्होंने फिल्म बनाने पर। बहुत बहुत इस्तकबाल आप तमाम का यहाँ आने के लिए। जो भी आपने देखा, हमने कोशिश की है कि सादगी और सच्चाई से एक बहुत ही संजीदा मौजू को, बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है जो औरतों से जुड़ी, उसको पर्दे तक लाने के लिए। अब वो कितनी कामयाब होती है या कितनी आपके दिल को छूती है, वो आपने ट्रेलर देखा, फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ट्रेलर देख के और जो एनवायरनमेंट देख के जो भी सवाल आप लोगों के जहन में आते हैं, प्लीज़ आप कर सकते हैं। पिछले 4 सालों से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मैंने कुछ तेलुगू और पंजाबी फिल्मों में काम किया है, लेकिन सपना ये था कि जैसे हर किसी का होता है, हर आर्टिस्ट का, कि बॉलीवुड में काम करें, बॉलीवुड में डेब्यू हो। तो डेब्यू मेरा एक फुल्लू जैसी फिल्म के साथ, इतनी खूबसूरत फिल्म के साथ होगा, वो मैंने कभी नहीं सोचा। उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और शाइन शारिब का, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इतना अहम किरदार इतनी खूबसूरत फिल्म फुल्लू में निभा सकें। थैंक यू सो मच, और मीडिया का थैंक यू आ जाने के लिए। और दिव्या मैम, आपको पता नहीं है कि कितना मतलब आपके सपोर्ट की वजह, दिस मींस सो मच टू मी, टू द एंटायर टीम। थैंक यू सो मच दिव्या मैम आने के लिए। वो सबके साथ की बहुत ज़रूरत है। और शारिब का एक फ़ोन आया था मुझे कि हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो औरतों के इस मुद्दे पर, सैनिटरी पैड्स पर बनी है, एंड उसका प्रोमो देखा मैंने जो आप सबके साथ अभी शेयर किया गया, और फिल्म देखी, और मुझे लगा इस फिल्म को एक आवाज़ देना, एक साथ देना बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं भी एक छोटी जगह से आती हूँ, छोटा टाउन जहाँ से थी, लुधियाना से भी आगे एक जगह थी सानेवाल, और मेरी मम्मी वहाँ पर डॉक्टर थी, तो गायनेक थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी। तो ये मुद्दा मेरे लिए एकदम क्योंकि तब भी मुझे याद, हम कॉलेज जाते थे, तो मेरी एक सहेली आती थी और दूर गांव से, और वो एग्ज़ाम्स मिस कर देती थी क्योंकि वो इन दिनों में नहीं आती थी, या उसके पेरेंट्स उसे नहीं आने देते थे। मम्मी की नर्स जो थी, जो गांव से आती थी, वो भी ये 4-5 दिन की छुट्टी मारती थी, मारती नहीं थी, एक मजबूरी थी कि उन्हें ऐसा करना पड़ता था। ये एक वे ऑफ लाइफ था सबके लिए, जो हम, मुझे लगता है, बहुत लकी हैं जहाँ हमारे पेरेंट्स ने हमारा साथ दिया, हम एजुकेटेड हैं, हमें मालूम है कि ये हाइजीनिक है, और ये बड़ी सरलता से हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। लेकिन 70%, जैसे आपने लिखा, औरतों को ये मिलता ही नहीं है, और आज भी आई थिंक आप कहीं केमिस्ट के पास जाते हैं, जो आपने काली थैली दिखाई है, ये आज भी यूज़ होती है। सो यू आर नेवर गिवन एनी सैनिटरी पैड लाइक स्ट्रेट, कि हमने बाकी दवाइयों के साथ डाल दिया, उसे हमेशा कागज़ की परतों में डाला जाता है, लेयर्ड रखा जाता है, ढका जाता है, बिकॉज एक ऐसा मुद्दा है जिसे सब नहीं सामने लाना चाहते, विच आई थिंक आप लोग सब, ये जो मर्दों की टीम है, एक औरतों का खास, ये जो बहुत अहम मुद्दा है, इसे आप लेकर आए हैं। तहे दिल से आप सबको मुबारकबाद, और मुझे लगता है ऐसी बहुत सारी और फिल्में बननी चाहिए, इसलिए हमें सबको ऐसी फिल्म को हौसला अफजाई देने की बड़ी ज़रूरत है। सो आई एम हियर इन वट एवर वे आई कैन बी, बिकॉज जितनी बीमारियाँ इसकी वजह से होती हैं, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर्स हों, चाहे वो UTIs हों, चाहे कुछ भी अनहाइजीनिक जो भी तरीके से हों, औरतों को ये मिलता ही नहीं है। जो आपने अपनी फिल्म में दर्शाया है, लोगों को शायद दिखता, पता भी नहीं ये चीज़ क्या है और क्यों यूज़ की जाती है, और हम जो कपड़ा यूज़ करते हैं या कागज़ यूज़ करते हैं या सूखे पत्ते यूज़ करते हैं, वो उनके लिए ज़िंदगी है। सो मुझे लगता है कि अभी जैसे केरला में एक कुछ अनाउंस किया गया है कि सब स्कूल्स में फ्री में सैनिटरी पैड्स गर्ल्स स्कूल्स में बांटे जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक, आप बिल्कुल करेक्ट टाइम पर आए हैं, ऐसी जगह जहां लोग वाकई जागृत हो रहे हैं। और मैं आप सबके ज़रिए आई थिंक एक गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जो हमने बहुत सारे टैक्सेस बढ़ा दिए हैं सैनिटरी पैड्स पर, 14.5 या ऐसा कुछ है, अगर इन्हें कटौती दे दी जाए, लोगों तक थोड़ा फ्री पहुंचे या मोटिवेशनल कुछ ऐसा हो, तो वो जो लड़कियां, वो जो औरतें, जो जिनके लिए बहुत दूर दराज की एक बात है, वो उनके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। सो आई वुड जस्ट से गिव दिस फिल्म
ऑल द लव दैट यू कैन, जो दिल से बात आती है ना वो कभी गलत नहीं होती. और आपकी फिल्म जो फुलू है मुझे लगता है बड़ी दिल से आपने बनाई है. शारिब आपको, अभिषेक आपको, ज्योति, अक्षितेज, शाहीन जी एंड द एंटायर टीम, पारुल, थैंक यू सो मच फॉर पैकिंग सच अ फिल्म एंड जस्ट टेक इट टू द राइट प्लेसेस पीपल. आई थिंक इट नीड्स ऑल आवर लव. शुक्रिया, थैंक यू. एक्चुअली 2015 में मैंने ये सोचा था कि इस तरीके की एक फिल्म होनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमने ये जो शो किया है वो काला पॉलिथीन वाला जो सिनेरियो है वो एक्चुअली मेरे साथ हुआ था लोखंड वाला में, बॉम्बे में. शादी के बाद जब मैं सैनिटरी नैपकिन खरीदने गया तो मैंने खुद ये देखा और मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि ऐसा क्यों हो रहा है. तो मैंने उससे क्वेश्चन भी किया केमिस्ट से कि आप क्यों इसको रैप करके दे रहे हैं, क्या है. तो वो कह रहे नहीं ऐसा ही होता, बस ये कह के टाल दिया. तो मैंने उस समय सोचा कि मेरे को एक कोई शॉर्ट फिल्म या डॉक्यूमेंट्री एक इसके ऊपर बनानी चाहिए. तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से डिस्कस किया, जो कि क्षितिज चौधरी और एक डॉक्टर अनमोल कपूर हैं, कनाडा रहते हैं, उनसे मैंने डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा मेरा थॉट है जो मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ. तो फिर हमने रिसर्च स्टार्ट करी, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. हालाँकि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि अगर कमर्शियल ना हो तो पैसा लगाते हैं, जैसा आपने खुद बोला, और ऐसा ही है आगे. बट इन लोगों ने सब रिस्क पर डाल के फिर बोला कि नहीं ये इनिशिएटिव है जो हमें लेना चाहिए. और उस समय पे आई डोंट थिंक सो कि इस बारे में कहीं भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बात भी हो रही थी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था. सो डिफ़िकल्टीज़ तो बहुत आई हमें और अभी तक भी आ रही हैं थोड़ी बहुत. जैसे हमारी फिल्म को ए सर्टिफिकेट भी मिला है, जो फुल फ्लेज फिल्म है, फीचर फिल्म को. सो लेट सी कि क्या होता है. बट आई डोंट थिंक सो कि उसको ए सर्टिफिकेट की ज़रूरत थी, क्योंकि ऐसा फिल्म के अंदर कुछ भी नहीं है, जो सिर्फ कंटेंट है, जो सैनिटरी पैड है. और आई डोंट थिंक सो कि वो ए सर्टिफिकेट है उसके लिए, एडल्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए. तो मतलब आपकी फिल्म को ए सर्टिफिकेट भी मिला? या सीन्स काटने के लिए भी कुछ कहा गया? नहीं, सीन्स काटने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एडल्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि कंटेंट वो कहते हैं कि कंटेंट जो है वो एडल्ट है. दिव्या मैम, इस पे आपका क्या टेक है? ये मुझे अभी अभी मालूम पड़ा है. मुझे तो लगता है ये टीनेज बच्चों को सबसे पहले दिखानी चाहिए. आई एम एक्चुअली शॉक्ड टू हियर दिस. ऐसी फिल्म तो स्कूल्स में लेकर जानी चाहिए या कॉलेजेस में लेकर जानी चाहिए या गांवों में जहां पर नहीं जाती हैं या छोटे शहरों में. जितनी फिल्म ये जाएगी उधर तक. सो आई वुड से आई एम टोटली वेरी शॉक्ड टू हियर दिस. समथिंग लाइक दिस गॉट एन ए सर्टिफिकेट. Not very comfortable hearing that. No. मैम, GST पे 12% लगाया गया है पैड्स पे, उस पे क्या कहना है कि ये टैक्स फ्री होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब पहुँचे और इस फिल्म का मुद्दा ये है कि हम ढक रहे हैं ऐसे सब्जेक्ट को कि ये सबके सामने मत बोलिए कि आपको पीरियड्स आए हैं. ये सबको मत बोलिए कि मुझे सैनिटरी पैड्स ला दो. क्यों? दिस इज़ अ नेचुरल फिनोमेना. पीपल शुड एक्सेप्ट इट. दिस इज द मोटिव ऑफ द फिल्म. एंड इफ यू आर गिविंग इट ए सर्टिफिकेट, you're not letting it reach the audience that needs to watch something like that. According to me, tax-free to hona hi chahiye. Aisi cheez jaise maine abhi aapko kaha, kuch jagah mein 12% hai, kuch jagahon pe shayad 14% bhi hai. To jinke liye abhi main kahin se aa rahi hu, aalok ko bata rahi thi. To sadkon pe aap dekhte hain ki 40 watt ka bulb laga hai, 60 bhi nahi hai, pankha nahi chalate kyunki bijli ka bill. हमने पूछा खास उतर के कि बोले 200 आता है हमारा बिल, अगर हम पंखा करेंगे तो 300 या 400 आएगा. ऐसे लोग सैनिटरी पैड कैसे यूज़ करेंगे अगर आप वैसे टैक्सेस होंगे या ऐसा कुछ होगा? सो इफ़ यू वांट टू रीच देम, जिनको मालूम ही नहीं कि ये ऐसा भी होता है. वहाँ बहुत अच्छा किया केरला गवर्नमेंट ने जो कि ये कर रहे हैं स्कीम. आई थिंक बाकी स्टेट्स को भी करना चाहिए. एंड आई कुड रियली रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि ये इसे टैक्स फ्री करें, डेफिनेटली करें. शारिब सर, आपसे क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें आपने कहा कि जो औरतों का दर्द नहीं समझता वो मर्द नहीं होता, तो आपके हिसाब से उस मर्द को क्या कहना चाहिए जो औरतों का दर्द नहीं समझता? नामर्द. तो रियल लाइफ में ये जो आप रियल लाइफ में जैसे और इस फिल्म का जो आपका कैरेक्टर है, तो उससे आपका कितना तालमेल है? आप रियल लाइफ मेरे ख्याल से जो भी हम किरदार निभाते हैं तो उसका उसमें हमारे खुद के अंश आते ही हैं. और कुछ कुछ चीज़ें इसमें मेरी हैं, कुछ उस कैरेक्टर की हैं, और कुछ जो शाहीन भाई ने लिखा है. आधा काम एक्चुअली स्क्रिप्ट कर देती है, हमको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. और ख़ासकर अगर लिखाई इतनी खूबसूरत हो जैसी उन्होंने की है शाहीन साहब ने,
तो वो यू जस्ट हैव टू फॉलो द स्क्रिप्ट एंड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डायरेक्टर, साथ में चीजें अपने आप आगे बढ़ती जाती हैं। बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी लिखा हुआ था, मुझे याद है शायद साउथ की, साउथ में बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज लिखा हुआ, इंस्पायर्ड फ्रॉम ट्रू स्टोरीज। ऐसे एक्चुअली और कई लोग हैं, सिर्फ एक इंसान नहीं है, और भी लोगों ने अपने अपने तौर पे इस मुद्दे को उठाया है। छोटे छोटे गाँव में काफी लोग हैं जो हम लोगों ने मथुरा में जहाँ शूट की है फिल्म, वहाँ पे भी उस गाँव के अंदर कोई भी सैनिटरी नैपकिन को नहीं जानता था। जितनी भी लेडीज थी उन्होंने देखा कि ये मतलब होता क्या है सैनिटरी नैपकिन, उनको पता ही नहीं है। सो वहाँ पे हमने रिसर्च करी कि क्या है, क्यों नहीं पता क्या है, तो हमें पता लगा एक बंदा ऑलरेडी मथुरा के अंदर भी सैनिटरी नैपकिन बना रहा है लास्ट 30 ईयर्स से, जो कि मतलब जो साउथ का जिनकी आप बात करें उनसे भी पहले का है, बट उन लोगों का नाम नहीं हुआ क्योंकि वो बहुत छोटी सी जगह से आते हैं और नहीं हो पाता। बट वो अपने ही साथ में भी उनका नाम नहीं है, जहाँ पे वो पड़ोस में गाँव 20 किलोमीटर दूर था वो गाँव, तो हाँ झारखंड में भी है। हमने दो तीन जगह सुन, यूपी पार्टी क्यों चुना आपने, मतलब स्टोरी का बेस यूपी, क्योंकि हमने जब हम लोकेशन हंटिंग पे गए थे तो हमने देखा कि एक्चुअल में जब हमने स्क्रिप्ट पे काम करना स्टार्ट किया तो शाहीन जी ने मुझे बताया भाई सैनिटरी नैपकिन ऐसी चीज़ है जो लोग नहीं जानते हैं, तो मैं खुद शॉक हो गया था सुन के कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे लिए तो नॉर्मल है, हम मैं दिल्ली से रहूं और फिर बॉम्बे आया, तो हमारे लिए मतलब सैनिटरी नैपकिन नहीं जानते ये बहुत बड़ा शौक था, नहीं उसके बारे में बात करते ये तो हमारे को पता ही था। बट जब हम लोग शूट के लिए लोकेशन ढूंढने के लिए वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि मतलब वहाँ पे कोई भी ऐसी एक भी लेडी नहीं थी जो सैनिटरी नैपकिन देख के पहचान सके कि ये सैनिटरी नैपकिन है, उनको पता ही नहीं है। आज भी मतलब अभी की बात कर रहा हूँ मैं, सो हम लोगों ने कोशिश करी अपनी तरफ से भी कि उनको एजुकेट किया जाए, और हमने अपनी टीम में जितनी भी हमारे टीम में गर्ल्स थी सबको बोला कि आप प्लीज़ इनको एजुकेट करके, और सैनिटरी नैपकिन वहाँ पे हमारे प्रोड्यूसर साहब ने सबके घरों में भिजवाई भी, बट वो यूज़ करें ये बड़ा मुश्किल है क्योंकि उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल है। यूपी की लोकेशन इसलिए ली गई थी बिकॉज व्हेन वी से इट्स बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, दो स्टोरीज आर फ्रॉम यूपी, सो दैट इज़ व्हाई वी यूज़ दैट लोकेशन। अभिषेक मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि अक्षय कुमार की भी एक फिल्म आ रही है पैडमैन करके, तो आपकी फिल्म उससे कितना अलग है? सी ये तो अब अक्षय जी की फिल्म देख के भी पता चलेगा और हमारी फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। सिर्फ कंटेंट हमारा सेम है मगर स्टोरी बिल्कुल अलग है। बट सर जब उन्होंने अनाउंस किया तो कोई उनके प्रोडक्शन से आपकी तरफ या आपकी तरफ से उनकी कोई कॉल वगैरह गई, कुछ बातचीत का? सर ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, हम भी खुद उम्मीद कर रहे थे कि आ जाए बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। कि आपने साउथ और पंजाबी फिल्में की है तो अभी आपने ये फिल्म से डेब्यू किया, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और चैलेंजेस कैसे क्या रहे इस फिल्म को लेकर? चैलेंजेस एक्चुअली मेरे लिए ज़्यादा रहे नहीं क्योंकि मैं एक तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, उसके बाद मैं जब मुझे पहली बार पीरियड्स आए थे और मैं बड़ी हो रही थी तो मैंने भी कपड़ा यूज़ किया था, और ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत गरीब घर से थे, मिडिल क्लास थे लेकिन पैड्स यूज़ करने की क्षमता थी हमारे में, फिर भी मेरी माँ के मुताबिक कपड़ा यूज़ करना बेहतर था और पैड यूज़ करना बेकार, तो एक तो वो पॉइंट हो गया। दूसरा ये कि हमारे घर में अगर पीरियड्स शब्द किसी आदमी किसी मर्द के सामने निकल जाए तो ऐसे होता है कि मतलब पहाड़ी टूट गया कोई, तो ऐसे ही फैमिली में मैं बड़ी हुई हूँ। लेकिन मैं इसके खिलाफ हमेशा तब से थी, जब से मैंने कहते हैं ना कि आप जवान हो गए अब आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो, तब से मैं ऐसी रही हूँ कि मैं इसके अगेंस्ट ही क्यों बात नहीं कर सकते या क्यों मैं पैड्स यूज़ नहीं कर सकती, क्यों कपड़ा यूज़ करें, बिकॉज मैं फील कर सकती थी कि कैसे किन प्रॉब्लम से मुझे गुजरना पड़ता था जब मैं कपड़ा यूज़ करती थी, तो वो चीज़ें मेरे साथ, तो इसलिए चैलेंजेस नहीं रहे, काफ़ी मैं कनेक्ट कर पाई इस स्टोरी के साथ। बाकी एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था, टीम क्योंकि इतनी बढ़िया थी, और बस। दिव्या मैम आप कुछ गर्ल्स को जो है मूवी के जरिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि मैं गर्ल्स से ज़्यादा फैमिलीज़ को देना चाहेंगे, जैसा अभी ज्योति ने कहा है कि एक हमारी कंडीशनिंग होती है एक तरह से, और आप वही होते हैं जो आप फैमिली में देखते हैं या आपको जो सिखाया जाता है या जो आप देखते हो बड़े होते हैं, तो बच्चे वही सीखेंगे जो उनकी माँ उन्हें बोलेगी या उनके बाप उन्हें बोलेंगे या उनके दादा दादी या नाना नानी बोलेंगे। सो अगर कपड़ों का ही वो एक चलता रहा है और उन्हें लगता है यही प्रथा है ऐसे ही होगा, तो शायद उन्हें लगे कि जो आप सैनिटरी पैड दे रहे हैं वो शायद कुछ खतरनाक हो चीज़, कपड़ा सही है, उनके जहन में ऐसी तरीके वो रहते हैं। सो आई थिंक ऐसी फिल्म
ऐसा मीडिया जितना हम कह सकें सबको कि ये फिल्म जितने लोगों तक पहुंचाई जाए उतना अच्छा होगा. मैं तो कह रही हूँ बच्चों तक ये फिल्म जानी चाहिए थी. इट वुड हैव बीन मच नाइसर. बट पेरेंट्स भी देखें तो उनके ज़रिए ये फिल्म शायद बच्चों तक पहुँचे. मुझे लगता है बतौर एक्टर्स या जैसे आपने ये फिल्म बनाई है इसे लेकर ट्रैवल भी करना चाहिए बहुत सारी ऐसी जगहों पर. दैट वुड बी रियली नाइस. ये चीज़ें आप खाली बोल नहीं सकते, ये किसी को आप खुद जाके दिखाएं या उन्हें बताएं कि ऐसा भी होता है या वो किसी को करते हुए देखें और खुद कर लें तब वो सीखते हैं. हमारे सिर्फ ऐसा बोलने से कोई इसे अपना नहीं लेगा. इसके लिए बहुत बड़ा एक मेजर करना पड़ेगा. एंड आई थिंक इस बहुत ही अच्छे से एक इनिशिएटिव को सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहिए, इसे यहाँ से बाहर तक लंबे समय तक लेकर जाना चाहिए. आई थिंक आई एम सो ग्लैड दैट आई बीन कॉल्ड टू बी यू नो बी जस्ट विद दिस फिल्म बिकॉज मुझे नहीं लगता कि मैं इधर तक ही. आई विल डेफिनेटली टेक दिस फॉरवर्ड इन विच एवर वे दैट आई कैन बिकॉज आई डू थिंक दैट वेमेन डिजर्व हाइजीन. दे डिजर्व टू नो बेटर एंड दे डिजर्व मोर कम्युनिकेशन, मोर ओपननेस अपनी फैमिलीज में बाहर. ये जो हम इसे ढक कर एक हॉ वाला जो एक करते हैं ना, ये हॉ निकलना बड़ा ज़रूरी है जी. थैंक यू मैम. थैंक यू, शुक्रिया. थैंक यू मैम. नहीं, कैंपेन ऐसा नहीं किया, बट हमने यहाँ हमारी जो फीमेल टेक्नीशियंस जो थे हमारे क्रू में उन लोगों से हमने उनको बोला कि आप उनको जाकर थोड़ा सा अवेयर कराएं उसके बारे में और बताएं, और उनको हमने उनको दिया भी जाकर, बट वो लोग तब भी झिझक रहे थे कि इसे लें या ना लें, उसको कैसे इस्तेमाल करें और वो सब, तो वो चीज़ें थी वहाँ पर. मैम आपका क्या रिएक्शन था? आपने कहा कि आपकी फैमिली बचपन में जब आप थे तो आप फर्स्ट टाइम ऐसे आपकी मम्मी ने कहा था कि कपड़ा यूज़ कर, तो अभी आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन है, आप किस टाइप की फील कर रहे हैं? मेरी हाँ मेरी मॉम को पता वैसे कुछ दिन पहले ही चला कि मैंने ऐसी कुछ मूवी की, लेकिन ऑब्वियसली अब उनका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी इतने सालों में चेंज हो चुका है, तो अभी शी इज़ क्वाइट प्राउड कि मैं ऐसा कुछ कर रही हूँ. तो मैम आपको फिल्म का ट्रेलर छोटी सी झलक कैसी पसंद, अच्छी लगी आपको? जी ये तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ हूँ. अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, और इस सब्जेक्ट को मुझे लगता है जितने लोगों के सामने लाया जाए, जितना सपोर्ट दिया जाए उतना बहुत अच्छा होगा, ना सिर्फ फिल्म के लिए बल्कि उन लोगों के लिए जो इस फिल्म को देखेंगे. आपको क्या लगता है सबसे पहले तो लोगों को ये बताना चाहिए कि ये सब्जेक्ट टैबू नहीं है, ये इसे कुछ बहुत ढका हुआ ना बोलने वाला टॉपिक ना माना जाए. मुझे बहुत इंटरेस्टिंग इनका जो नाम भी लिखा है उसमें वो लाल उससे लिखा गया है, जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा. लोगों को कहीं ना कहीं शॉक वैल्यू लगती है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों लगती है. अगर आप सीधा बोलेंगे कि मुझे पीरियड्स आए हुए हैं तो लोगों को लगता है बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग है, ये सीधा ही बोल देती है. आप हमें सिखाया जाता है कि हर चीज़ को ढक के सबके सामने बड़ों के सामने, वो सही है, लेकिन जो मुद्दा है जो जैसा है उसे बोलने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए. रिस्पेक्ट अलग होती है और एक चीज़ को सामने लाना उसके साथ डील करना अलग होता है. एंड आई थिंक जो हाइजीन है औरतों की हाइजीन वो इस ढकने की वजह से कहीं ना कहीं बहुत मात खा रही है. एंड सैनिटरी पैड्स को लोगों तक पहुंचाना औरतों तक लड़कियों तक बहुत ज़रूरी है. आई थिंक केरला गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा शुभकामनाएँ देना चाहूँगी जिन्होंने पहला स्टेप उठाया है. ये फिल्म बहुत सही वक्त पर आ रही है, जहाँ आई थिंक जितने लोगों तक जाएगी उतना लोग इस बात से जागृत होंगे. एंड आई थिंक एवरी इट शुड बिकम अ नॉर्म, इट शुड बिकम अ कंपल्शन दैट सैनिटरी पैड शुड बी गिवन टू गर्ल्स. सर देखा जाए तो आपने बोले कि ये मूवी ऑल ओवर इंडिया प्रमोट होना चाहिए, देखा जाए तो जी, तो आप और कहाँ कहाँ कर सकते हैं प्रमोशन की बात करें, तो ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो मुंबई छोड़ के? हम कोशिश करेंगे सब जगह पर रिलीज़ हो ये फिल्म, और जहाँ जहाँ पर हम जहाँ रिलीज़ नहीं होगी हम वहाँ पर हमने प्लान किया है कि कुछ इंटीरियर्स में गांव में जाकर हम सारे विलेजर्स को साथ में जमा करके उनको फिल्म दिखाएंगे,
और अपनी तरफ से जितना अवेयरनेस उस चीज़ का फैला सकें हम फैलाएंगे। तो ये हमारा प्लान है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो इंशाल्लाह हम वो बहुत जल्द करने वाले हैं। मैम देखा जाए तो इन सब मुद्दों पे बातें होती है, मूवीज भी बनती है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये सारी सभी भूल जाते हैं, दब जाती है, तो इसके लिए कुछ इनिशिएटिव्स होने चाहिए। मैं तो बिल्कुल आपके साथ इसमें मानती हूँ इस बात को कि हम लोग एक जगह पर एक बहुत खूबसूरत बात करते हैं और फिर अगले दिन कोई और बात करते हैं, उसे भूल जाते हैं, लेकिन ये मुद्दा नहीं भूलना चाहिए। मुझे तो लगता है ये फिल्म को इनको लेकर कॉलेजेस में, छोटे शहरों में, हर जगह जाना चाहिए, और हमें बतौर एक्टर्स और आपको बतौर मीडिया जितना इसे फैला सकें, जितने लोगों को शायद मालूम भी नहीं सैनिटरी पैड्स होते क्या हैं। सो जस्ट ब्रिंग दी अवेयरनेस। आप अब तो सोशल मीडिया आ गया है तो चीज़ें आसान हो गई हैं, एक जगह से दूसरी जगह एटलीस्ट मैसेज पहुँचाना बहुत आसान है, तो जो वहाँ के लोग हैं, जो छोटे शहरों के लोग हैं, दे कैन टेक इट अहेड। सो आई थिंक इट शुड नॉट स्टॉप हियर। मैम देखा जाए तो इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हो रहा है अभी 4 तारीख को अभी फिलहाल जी, तो फिर अभी प्लस इतने सारे सैनिक मर रहे हैं हमारे कश्मीर में, तो इसके बारे में क्या टेक है? मैचेस होने चाहिए, और अगर होगा तो आप किसे सपोर्ट कर रही हैं? अब आप किसे सपोर्ट कर रही हैं तो अंडरस्टूड होगा ना, मतलब अपने देश को ही करूँगी सपोर्ट। जिसने भी मैच रखा है उन्होंने सोच के ही रखा होगा। हमारे रिश्ते कभी बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो आर्ट है, जो क्रिकेट है, उसे लोग एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करना हमेशा पसंद करते रहे। सो आई डोंट नो व्हेन एंड हाउ इट इज़ हैपनिंग, बट इफ इट इज़ आई एम श्योर आई विल वॉच इट। थैंक यू। नहीं नहीं, बिल्कुल धीमी नहीं। मैं जब फिल्म देखोगे तो पता चलेगा मैं बहुत बड़ी बम्बू उसमें। लेकिन मेरा जो खास योगदान रहा है वो रहा है कि जब इसकी शादी नहीं होती ना फुल्लू की, जब शादी नहीं हुई होती है तो क्या है, माँ से या बहन से बात करने में हम बात नहीं कर पाते ना अक्सर इन चीज़ों के बारे में, माँ बहन बात ही नहीं करती अपने बेटों से या भाइयों से। तो शादी के बाद एक ये बदलाव आता है कि उसे जो अंदर होने वाली जो बेसिकली ये चीज़ है वो चीज़ क्या है, और उसकी वजह से अगर कोई बीमारी हो रही है तो वो बीमारी के बारे में पता चलता है कि क्या क्या इसके क्या क्या चीज़ें हो सकती है, क्या क्या तकलीफें हो सकती है इस चीज़। तो आई थिंक वहाँ पे ये कैरेक्टर जो है थोड़ा इम्पोर्टेंस रखता है कि शादी के बाद फुल्लू को सब कुछ पता चलता है अंदरूनी चीज़ का, तो वैसा कैरेक्टर। तो आपको ऐसा हस्बैंड मिलकर आपको कैसा लगता है कि ये काफ़ी सपोर्ट करें, तो आप रियल लाइफ में भी ऐसे ही हस्बैंड चाहिए? आई स्वेयर मुझे रियल लाइफ में ऐसे ही मेरा क्यूट सा फुल्लू मिल जाए तो ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। पर हाँ, बड़ा ही सुंदर कैरेक्टर है फुल्लू का, और आई होप कि मुझे रियल लाइफ में भी ऐसा ही फुल्लू मिले। फुल्लू तो पट्टा मिलेगा।